बालिकाओं की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित हटब्बा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 3 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर है। लगभग 4000 की आबादी व 1450 वोटरों द्वारा सहरोज अली को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 421 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 166 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 30 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 18 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का भी निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 204 इज्जत घरों व 7 लोही आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। मैं शहरोज अली, ग्राम प्रधान हटवा पट्टी, जनपद अमरोहा, विकासखंड जोया से। मेरे गांव में जितनी भी धनराशि केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आई है, मैंने उसको बहुत सही तरीके से उसको रोड्स में, नाली में, पानी पेयजल में, स्कूल्स में, टॉयलेट में उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। और मेरे गांव में लगभग 204 चाले आए, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बनवाया। आज बहुत अच्छे हालात में वो हैं, सब लोग उसको यूज़ करते हैं और उनकी ही के बदौलत मेरे गांव में आज कोई भी बंदा बाहर नहीं जाता है और ODF हो गया है मेरा गाँव। मेरी सरकार से निवेदन है कि मेरे गाँव में कुछ आवश्यकताएँ हैं, उनके लिए मुझे धनराशि चाहिए। मेरे गांव में कुछ दिक्कतें आती हैं, मेरे पानी की निकासी में भी दिक्कत है। मैंने उसको सरकार से चाहता हूं कि उस मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके लिए मुझे धनराशि दे जिससे मैं पानी की निकासी कर सकूं। मेरे गांव में लगभग 1200 मीटर की नाली की बहुत बड़ी आवश्यकता है पानी निकासी के लिए। मेरे गाँव में एक पंचायत भवन की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं है। मेरे गाँव में एक आंगनबाड़ी केंद्र की बहुत आवश्यकता है। मेरे गाँव के छोटे छोटे बच्चे मुझे किसी के घर में, स्कूल्स में उनको देख के पढ़ाई करानी पड़ती है। मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे गांव में जिन जिन चीज़ों की मुझे आवश्यकता है वो उपलब्ध कराएं, जिससे मैं अपने गांव का विकास कर सकूं। मैं अपने गांव के हर तरह से, किसी भी तरह से हर समय तैयार रहता हूँ। मेरे गांव में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन थी जो बनवाई जा रही हैं, कुछ लोग ये भी बनी, इन्हें कुछ बाकी हैं। मैं सरकार से चाहता हूँ कि जिस चीज़ पर भी मैं थोड़ा सा वो करूँ, मेरे साथ सहयोग करे, मेरे ग्रामवासियों के साथ सहयोग करे। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव को कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना जो सरकार के चलने में उससे वंचित ना रह जाए। जो जिसकी का हक बनता है मैं उसको दिलवाने की कोशिश करता हूँ। मैं सरकार से चाहता हूँ कि एक बार मेरी जो डिमांड है, मेरी जो गाँव में दिक्कतें आ रही हैं विकास कार्यों को लेकर, वो पूरी की जाए। मेरे रास्ते रह गए हैं अभी और कुछ आवास हैं, जो मैंने आवास के लिए आवासहीन लोग हैं जिसके तो मेरे द्वारा कुछ आवाज़ बन गए हैं, कुछ डिमांड मैंने दे रखा है, कुछ अभी चल रहा है। मैं सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारों से चाहता हूं कि जो लोग मेरे यहाँ अभी आवासहीन हैं उनको आवाज़ दिया जाए, उनको सही तरीके से ज़िंदगी जीने का ढंग आज। मैं संजीव, ग्राम पंचायत हटौवा का निवासी। हमारे पास कोई मकान नहीं था। जिस मकान में आप खड़े हैं वो मकान ग्राम प्रधान सरोज अली ने बनवाया, जो कि कार्य निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं। मैं शेर सिंह, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय हटौवा में। और हमारे यहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सभी के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए, नामांकन वृद्धि के लिए गांव में बहुत रैली निकाली जा रही है। हमारे जो आदरणीय ग्राम प्रधान जी शहरोज अली, वो हमारे विद्यालय में बहुत समय देते हैं, अपना उचित बहुमूल्य समय देते हैं। साथ ही साथ वो हमारे विद्यालय को संपूर्ण रूप से देखभाल करते हैं। इसके लिए मैं प्रधान जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि प्रधान जी हमारे इसी तरीके से सहयोग देते रहेंगे।